नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जो आज हम बना रहे हैं, तो हमें बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मित्रों, क्योंकि एक्चुअल में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो बाघिन MT4 है और जिसके वीडियो लगातार हम अपडेट कर रहे थे अपने चैनल कोटा विजिटर यूट्यूब पर, और आप समय समय पर वो अपडेट देख रहे थे बाघिन MT4 के। और लास्ट जो अपडेट हमने किया था वो ये किया था कि भाई जो MT5 को दिसंबर में MT5 को मुकुंदरा में रिलीज किए जाने के बाद MT5 का MT4 के साथ मिलन हुआ था, और तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि MT4 अब गर्भवती हो गई होगी, और अगर यह है गर्भवती हो गई होगी तो यह लगभग अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक यह अपने शावकों को मुकुंदरा हिल्स में जन्म देगी, और मुकुंदरा हिल्स में खुशियां आएगी, और मुकुंदरा हिल्स में बाघों के पुनर्वास की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेगी, और पर्यटकों का ध्यान यहां आकर्षित होगा, मुकुंदरा में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी उससे यहां पर रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन एक इस जो आशा को यहां एक बहुत बड़ा झटका लगा है आज, और ये बड़े दुख के साथ हम वीडियो बना रहे हैं कि अब मुकुंदरा हिल्स में बाघिन MT4 कभी माँ नहीं बन सकेगी, MT4 के शावक मुकुंदरा को कभी नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि मित्रों यहाँ बड़े दुख के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि बाघिन MT4 की मौत हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने, गुरुवार 4 मई 2023 को दिन के 1:30 बजे के लगभग MT4 ने मुकुंदरा को और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है मित्रों, और ये बड़े दुख की बात है। दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमी और सब लोग आस लगाए बैठे थे कि मुकुंदरा में खुशियां आएंगी, लेकिन मुकुंदरा में खुशियों की जगह आपको यह दुखद समाचार यहां से मिल रहा है, और बड़े दुख के साथ हम आपको आज इस समाचार को शेयर कर रहे हैं मित्रों। हमें एक कतई आशा नहीं थी कि MT4 इस तरह से मुकुंदरा और दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। मित्रों एक्चुअल में हुआ यह था कि जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में आया है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हुआ यह था मुकुंदरा में कि जो बाघिन MT4 है वो काफ़ी दिनों से कुछ सुस्त दिखाई दे रही थी, पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रही थी, सुस्त दिखाई दे रही थी, तो उसकी जो मॉनिटरिंग कर रही है उस टीम ने वन विभाग को सूचित किया इस बारे में। इसके बाद रणथंभौर के जो डॉक्टर हैं, वन्य जीवों के जो डॉक्टर हैं, वो उनकी टीम और एक कोटा की टीम मुकुंदरा पहुंची, और मुकुंदरा में सोमवार के दिन बाघिन MT4 को ट्रंकुलाइज किया गया, और उसका जो चेकअप किया गया उसमें पाया कि उसका जो मल है वो पास नहीं हो पा रहा है, उसके पेट में अटका हुआ है उसका मल है, और इसकी वजह से उसके पेट में सूजन उनको मिली, सूजन और फूला हुआ पेट दिखाई दिया, तो उन्होंने उस दिन उसको उसके मल को पास करने की कोशिश की और उसका इलाज किया। इसके बाद बाघिन को वापस छोड़ दिया गया, और इसके बाद फिर भी बाघिन की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो वो मंगलवार को थोड़ी स्वस्थ दिखी, मंगलवार को थोड़ी सी स्वस्थ नज़र आई। इसके बाद बुधवार को वापस उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती चली गई, और वो बहुत बीमार हो चुकी थी, और इसके बाद फिर से डॉक्टर्स को बुलाया गया, और डॉक्टर्स की टीम ने वापस गुरुवार के दिन उसको ट्रंकुलाइज्ड कर दिया। पहले सोमवार को उसको ट्रंकुलाइज किया गया था, और उसके बाद गुरुवार 4 मई 2023 को उसको वापस से ट्रंकुलाइज किया गया। उससे पहले दो दिन पहले उसको सोमवार को ट्रंकुलाइज किया था, और इसके बाद जब इलाज उसका कर रहे थे डॉक्टर लोग, और उसी समय उसने दम तोड़ दिया, और उसने लास्ट में 3 गहरी सांस ली, और गहरी सांस लेकर के उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मित्रों अब MT4 इस दुनिया में नहीं है, यह बड़े दुख की बात हमें आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है। एक्चुअल में जो मुकुंदरा हिल्स में ये जो बाघिन थी MT4, आपको बता दें कि इस बाघिन को 2019 को मुकुंदरा हिल्स के अंदर शिफ्ट किया गया था। ये शिफ्टिंग की तारीख थी 12 अप्रैल 2019 था। इससे पहले ये रणथंभौर में थी, और वहाँ इसका नाम जो था वो था T83 लाइटनिंग, और ये रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन कृष्णा की बेटी और मछली की नातिन है। इसका जन्म
रणथंभौर में सन 2011 को हुआ था। 2011 को इसका जन्म होने के बाद 12 अप्रैल 2019 को इसे मुकुंद्रा में शिफ्ट किया गया था और 2020 तक मुकुंद्रा में जो बाघों की संख्या हो गई थी वो कुल 6 है। और 2020 के दौरान ही किसी संक्रमण के कारण इस टाइगर फैमिली के 5 सदस्य एक एक करके और मौत का ग्रास बन गए और उसमें से जो बच के निकली थी वो थी बाघिन MT4 और उसके बाद ये मुकुंद्रा में स्वच्छंद विचरण कर रही थी। और इसका MT5 के साथ जो मीटिंग है वो दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हुई थी और इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मुकुंद्रा से बहुत ही शुभ समाचार आ सकते हैं, बहुत खुशी की लहर मुकुंद्रा से निकल के आ सकती है और जो सावकों की अटखेलियाँ अब मुकुंद्रा में देखने को मिलेगी, लेकिन उन पे सब पे पानी फिरता नज़र आ रहा है। और मुकुंद्रा में जो बाघों के पुनर्वास को लेकर किए जा रहे हैं प्रयासों को भी काफ़ी इससे झटका लगा है। एक तरह से बहुत सारे जो अखबार है उन्होंने इस समाचार को अपने न्यूज़पेपर में जगह दी है, तो अब हम चाहते हैं कि आपको समाचार भी पढ़ के सुना दें। और एक जो है वो न्यूज़पेपर है उसने तो छापा है कि भाई इसको साथ ही साथ 2 दिन के अंतराल पर इसको 2 बार ट्रंकुलाइज्ड किया गया और इस ट्रंकुलाइज्ड को ये झेल नहीं सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी है और इसी कारण से इसने दम तोड़ दिया। सीधा सीधा जो यह अखबार है यह है जिम्मेदार ठहरा रहा है प्रशासन को और डॉक्टर्स को। तो ये सब मीडिया रिपोर्ट भी इसमें छपी हुई है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ इसको। ये देखिए आप, ये पत्रिका की न्यूज है, पत्रिका ने लिखा है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में गुरुवार दोपहर बाघिन MT4 की मौत हो गई। बाघिन गत दिनों से बीमार चल रही थी। 19 अप्रैल को बाघिन को सुस्त देखा गया था। मॉनिटरिंग टीम की सूचना पर रणथंभौर से डॉक्टर्स को बुलाया गया था। चिकित्सा टीम ने बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसके इलाज की जरूरत बताई थी। सोमवार को ट्रंकुलाइज कर इलाज किया गया। एक दिन ये ठीक रही, बुधवार को फिर तबीयत खराब नजर आई, फिर से विशेषज्ञों को बुलाया गया। गुरुवार सुबह बाघिन को ट्रंकुलाइज किया गया। इलाज के दौरान 1:15 पर बाघिन की मौत हो गई। ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। द भारत नाउ हिंदुस्तान की धड़कन, इन्होंने लिखा है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 की मौत। कोटा राजस्थान से मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस MT4 की मौत हो गई। और टाइग्रेस MT4 को आज सुबह ट्रंकुलाइज किया गया था। इससे पहले उसे 2 दिन पहले ट्रंकुलाइज किया गया था। बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंतराल में हुए ट्रंकुलाइज को बाघिन MT4 नहीं झेल पाई। बताया जा रहा है कि बाघिन MT4 पिछले कई दिनों से बीमार थी, उसके इलाज के लिए उसे ट्रंकुलाइज किया गया था लेकिन डॉक्टरों की कोशिश बेकार हो गई। दम तोड़ने से पहले बाघिन MT4 ने 3 बार गहरी सांस ली थी और फिर दम तोड़ दिया। फिर आगे लिखा है बाघिन MT4 का इलाज इस महीने की 3 तारीख से शुरू हुआ था। जब बाघिन अस्वस्थ नजर आई उसके इलाज के लिए ट्रंकुलाइज किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बाघिन के पेट में मल के सूखे टुकड़े मिले थे जिसे साफ करने के लिए उसे एनेमा दिया गया। शुरुआती जाँच में पता चला कि MT4 के हाथों में सूजन था। बेहद इलाज के लिए रणथंभौर और कोटा से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंची थी। सुबह करीब 10 बजे बाघिन एक बार रिवाइज भी हुई थी लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हालत खराब होने लगी और दोपहर 1:15 पर उसकी मौत हो गई। बाघिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये जो अखबार है ये है द भारत नाउ, ये जो है ये दैनिक नवज्योति है। दैनिक नवज्योति ने यहाँ पर लिखा है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 की मौत। कोटा, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 की मौत हो गई। लाइटनिंग के अचानक मौत से बाघों के पुनर्वास के प्रयासों को झटका लगा है। इकलौती बाघिन की संदिग्ध मौत से मुकुंद्रा प्रशासन फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। बाघिन MT4 की तबीयत खराब चल रही थी, स्केट पास नहीं कर पाने की वजह से वह अत्यधिक दर्द में थी और पेट फूला हुआ था। 1 मई को ट्रंकुलाइज कर चिकित्सकों ने इसका इलाज किया लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। 4 दिन बाद फिर से बाघिन को ट्रंकुलाइज करना पड़ा।
हैरानी की बात यह है कि 4 दिन के अंतराल में 2 बार ट्रैंकुलाइज्ड का दर्द MT4 नहीं झेल पाई और दुनिया को अलविदा कह गई। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के CCF SP सिंह ने बाघिन MT4 की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि NTCA के प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टरों की टीम ने 1 मई को उसका इलाज किया था और 3 मई को वह फिर से अस्वस्थ नजर आई। डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इलाज का प्लान किया था। इसके लिए गुरुवार सुबह 8:54 पर बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया। दोपहर करीब 1:15 पर उसकी मौत हो गई। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।